दोस्तों आपने एक मुहावरा तो सुना ही होगा कि चिराग तले अंधेरा। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में यह मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है। हुआ यूं कि अयोध्या जिले के बेलवारी खान गांव में उपचुनाव के बाद ग्राम प्रधान के शपथ की तैयारी की जा रही थी। गांव के लोगों के अलावा सत्ता पक्ष से जुड़े पदाधिकारी भी शपथ ग्रहण का साक्षी बनने के लिए पंचायत भवन की कुर्सी पर विराजमान थे। क्योंकि शपथ ग्रहण वर्चुअल किया जाना था, इसलिए पंचायत सहायक को सचिव महोदया ने लैपटॉप लाने के लिए कहा। अब लैपटॉप लाया गया, लेकिन वह चल नहीं सका। आखिरकार लैपटॉप को हटाने का फरमान जारी हुआ और मोबाइल चालू करके जैसे तैसे शपथ प्रक्रिया पूरी कराएगी। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को मोबाइल देखकर शपथ ग्रहण करना पड़ा। इस दौरान मोबाइल में आवाज सही ना सुनाई देने की समस्या भी देखने को मिली। अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम तो पूरा हो गया, लेकिन कई सवालिया निशान को छोड़ गया। सबसे जरूरी सवाल कि पंचायत भवन का सिस्टम खराब था जो एन वक्त पर फेल हो गया। क्या नवनिर्वाचित मुखिया को मोबाइल से शपथ दिलाना उचित था? यदि जिम्मेदार शपथ ग्रहण के दिन ही कुछ समय पहले जाकर व्यवस्था की निगरानी कर लेते तो मोबाइल का सहारा ना लेना पड़ता। यदि मोबाइल का ही सहारे काम निपटाया जाना था तो करोड़ों रुपए की लागत जो लगी है, योगी सरकार जो पानी की तरह पैसा बहा दिया, उसका मतलब क्या है? यूपी सरकार ने ग्राम पंचायत के लोगों की सुविधा के लिए करोड़ों अरबों रुपए पानी तक बहा दिया, लेकिन आज भी लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। चंद ग्राम पंचायतों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर ग्राम पंचायत भवन निरर्थक ही साबित हो रहे हैं। खरीदे गए उपकरण एक कोने में धूल फांक रहे हैं। पंचायत भवन में पंचायत सचिव के दर्शन केवल मीटिंग और बैठकों में ही किए जाते हैं। ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन जो बनकर तैयार हो गया है, पंचायत सहायक की तैनाती भी की गई है, वहां पर कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना भी की जा चुकी है, बावजूद इसके आज भी लोगों को एक छोटे से भी काम के लिए ब्लॉक मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। जिम्मेदारों का यह मनमानी रवैया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान कब जाएगा? लोगों को इस बेसब्री का इंतजार है। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।